ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी सापोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले, आपने जो बात कहनी आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको आपने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ऐसा नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद